हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ शिवानी, आपकी सहेली। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक कैनकेन का रिव्यू। तो ये है वो कैनकेन, इसे मैंने क्लब फैक्ट्री से लिया है, इसे मैंने ओपन कर लिया है। तो आप देख सकते हो, ये इस तरह क्लब फैक्ट्री में अक्सर आप जब सामान आता है वहाँ से, तो इस तरह के पैकेट में सेब आता है। आप देख सकते हो, ये इस तरह से आपका यहाँ से ये खुल जाएगा, ठीक है। तो चलिए मैं इसे आपको खोल के दिखाती हूँ कि किस तरह का डिज़ाइन में है। तो ओपन करने के बाद कुछ आपको इस तरह के लुक में ये देखने को मिलेगा। पिक्चर में जो दिया हुआ है सेम वैसा नहीं है, ये एकदम ही डिफरेंट क्वालिटी का है और डिफरेंट डिज़ाइन भी है इसका, बहुत ही अलग डिज़ाइन है। ये वायर कैनकेन है, जो नेट से जो जो कड़ा वाला नेट आता है वैसा वाला नहीं है, ये वायर कैनकेन है। यहाँ पर आपको बीच बीच में वायर मिलेगा, यहाँ पे देख सकते हो, थ्री लेयर वायर है। वन, ये आपका टू, ये आपको थ्री, ये छोटे से लेके नीचे बड़ा तक दिया हुआ है। ये नीचे है जो सबसे बड़ा वायर है, और ये उसके बाद सेकेंड में थोड़ा उससे छोटा, और ये थर्ड में उससे भी छोटा, ये आप देख सकते हो, ये इस तरह का आएगा। इसे मैं पूरा आपको उठा के दिखाती हूँ, ये देखिए, ये इस तरह में पूरा लुक आपको आएगा। पहनने के बाद आपका जो है इस तरह से पूरा आएगा। तो क्वालिटी इसकी पॉलिस्टर है और काफी पतला कपड़ा है, आप देख सकते हो। और यहाँ पे आपको कोई प्लास्टिक नहीं मिल रहा है, रबर का जैसा जो स्कर्ट के तरह होता है वैसा नहीं मिला हुआ है आपको, यहाँ आपको ये बांधने वाला मिला हुआ है। तो काफ़ी छोटा छोटा था तो मैंने इसमें ये अलग से कपड़े का लगा दिया है, जो आपको पेटीकोट में डालते हैं ना, उसी टाइप का मैंने लगा दिया है ताकि बांधने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये वायर कैनकेन है, तो ये वायर कैनकेन की एक खासियत होती है कि अगर आपका लहंगा थोड़ा हैवी है तो ये उसको मतलब कि होल्ड अच्छी तरह से कर पाएगा। अगर आप नेट का अगर लेते हो केनकेन, जो कड़ा वाला नेट होता है, जो फूला फूला थोड़ा होता है, तो उसमें क्या होगा, अगर आप हेवी लहंगा पहन रहे हो तो आपका वो थोड़ा दब जाएगा, है ना। तो दब जाने के बाद आपको घेरा मानने उतनी अच्छी तरह से नहीं आएगा, और इसका जो है आप जितना भी हेवी आप पहनोगे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इसका घेरा आपको 3 मीटर का है, ठीक है। अगर आपका जो लहंगा है, लहंगा का जो लेंथ है, अगर 3 मीटर से थोड़ा कम है तो ये तो आएगा नहीं फिट। लेकिन इसमें एक और है जो आप एडजस्टेबल टाइप का यहाँ पर है, आप जब लोगे ना तो आपको पता चल जाएगा, छोटा बड़ा करने वाला मुझे भी यहाँ पे दिख नहीं रहा है। तो जो वायर है ना, इसी को दोनों को ऐसे अटैच किया हुआ है, उसको आप ऐसे दबा दोगे ना तो ये थोड़ा छोटा हो जाता है, तो मैंने इसे छोटा कर दिया था। इसमें एक और बात है आपको कि इसमें बैठने में प्रॉब्लम होगी कि नहीं, तो ये जो है आपको कमर की तरफ इतना कपड़ा मिल रहा है तो मुझे नहीं लगता कि बैठने में आपको प्रॉब्लम होगी। हाँ, अगर आप अगर सोफा पे, कुर्सी पर या फिर बैठ रहे हो या फिर बेड पर, तो आप जो पूरी कंफर्टेबल से आप नहीं बैठ पाओगे, थोड़ा सा लटक लटक के बैठना होगा, पूरी कंफर्टेबल करके बैठोगे तो आपको ये जो है, ये वाला फर्स्ट जो ऊपर से जो फर्स्ट आता है ना, ये आपके थाई के पास पड़ेगा तो थोड़ा कहीं लग सकता है, तो आप पीछे खसक के अच्छी तरह से नहीं बैठ पाओगे। इसलिए अगर अगर कोई दुल्हन के लिए अगर आप ये लोगे ना, तो दुल्हन को जो स्टेज पर बैठना पड़ता है, तो अगर स्टेज पर काफ़ी देर तक बैठना पड़ता है तो उसको थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। तो आप प्लीज़ ये दुल्हन के लिए तो ना ही ले, तो बेस्ट है एज ए वेडिंग गेस्ट अगर आप ले रहे हो तो आराम से ले सकते हो। क्योंकि आपको ये जैसे कि नीचे अगर आप बैठना चाहते हो, जैसे कि आपको जैसे कोई काम आ गया तो आप झट से लहंगे में ना नीचे बैठने उठने में नहीं बनता है, अगर आप बैठोगे ना तो ये जो है ना, आप जैसे नीचे काम के लिए, किसी काम के लिए बैठोगे, कुछ उठाना है नीचे से, जैसे आप बैठोगे ये इस तरह के फोल्ड में आ जाएगा, खड़े होगे फिर ये अपना सेब में आ जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। तो एज ए वेटिंग गेस्ट आप पहन लो, लेकिन दुल्हन को ना पहनाओ तो ही अच्छा रहेगा, मेरा ये सजेशन है। क्योंकि बैठने में प्रॉब्लम, थोड़ी प्रॉब्लम तो हो सकती है, क्योंकि आप कंफर्टेबल नहीं बैठ पाओगे, बैठ पाओगे पर कंफर्टेबल नहीं,
मैंने एक बार इसे वेयर किया है, आपको मैं ये वेयर करके दिखाऊंगी। लेकिन जब मैंने एक लहंगा ऑर्डर किया है, वो लहंगा आ जाएगा तो उसके साथ मैं आपको इसे पहन के ज़रूर दिखाऊंगी। तो जितनी बातें मैं इसके बारे में जानती थी, जो जो मतलब कि आपको बताने वाली थी, वो मैंने बता दिया। अगर इसके बारे में आपको और भी कुछ चाहिए जानकारी, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है? और ये मेरा तो एक्सल साइज है, तो ये आपको डबल एक्सल लार्ज तक आपको कमर में आ जाएगा आसानी से। आप लोग पहन सकते हो, स्मॉल लार्ज सब पहन सकते हो, ये सबके लिए है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये कैनकन कैसी लगी, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि मैं ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए लाऊं और सबसे पहले आप इसे देख पाओ। अगर कोई सवाल हो, इसके बारे में कुछ जानकारी चाहिए हो, तो आप ज़रूर पूछिएगा, मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगी, ठीक है? और इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।